बिलासपुर जिला के युवक की क्वारंटाइन सेंटर में शिमला ले जाते हुए मौत मामले में मृतक हंसराज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। परिजनों को ना तो डेथ सर्टिफिकेट दिया गया है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में उन्हें कोई जानकारी दी गई है। मृतक हंसराज के भाई देशराज ने कहा कि उनके भाई की मृत्यु लगभग 5 से 6 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनके भाई के मृत्यु के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें मुहैया नहीं करवाई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई का डेथ सर्टिफिकेट भी उन्हें नहीं दिया गया है। मृतक के भाई ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जांच के आदेश जारी किए गए थे और अभी कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग के जांच अधिकारी उनके घर भी आए थे। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। देशराज ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर एसपी बिलासपुर से भी वे मिल चुके हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे भाई हंसराज के पोस्टमार्टम को 6 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है और ना ही हमें कोई जानकारी दी गई है कि कब आनी है और कितने दिनों के बाद आनी है। तो हमें इसकी भी जानकारी चाहिए। और पोस्टमार्टम और हमें डेथ सर्टिफिकेट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ से हमने लेना है और कितने दिन बाद आएगा, उसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। बाकी एमएलए साहब जी आए थे, सुभाष ठाकुर जी, तो उन्होंने भी यहाँ पे आके सहानुभूति प्रकट की और आश्वासन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे। पर और जो जॉइंट डायरेक्टर साहब शिमला से, वो भी आए हुए थे यहाँ पे सहानुभूति प्रकट करने के लिए, पर अभी तक हमें ना कोई आर्थिक सहायता मिल पाई है, ना कोई इसके बारे में कोई कह नहीं है हमें। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमें आर्थिक सहायता भी दी जाए और निष्पक्ष जांच की भी हमें सहायता मांगते हैं।